Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and I'm your computer teacher Ms. Varisha. Now we start our today's topic. Now please open the page number 19. So students, हम लोगों ने अपने unit number 2 hardware and software grading complete कर ली थी. इसका book work करते हैं right, true or false. Software can work without hardware. क्या hardware और software दोनों एक दूसरे के बगैर काम कर सकते हैं? यहाँ पर क्या आ जाएगा? False. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ काम नहीं कर सकते. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी. ट्रू. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, सो यहाँ भी ट्रू आ जाएगा. सी डी इज अ सॉफ्टवेयर. सी डी सॉफ्टवेयर नहीं है, वो हार्डवेयर है. क्यों? क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, सो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा. यूएसबी इज हार्डवेयर. यूएसबी को हम टच कर सकते हैं, सो ये ट्रू है. मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस. क्या मॉनिटर इनपुट डिवाइस है? रॉन्ग. यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है. अ माउस हैज फोर बटन्स. माउस के फोर बटन्स होते हैं. फॉल्स. यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. फिर इन द मिसिंग लेटर्स. नंबर वन हार्डवेयर. एच ए आर डी डब्ल्यू ए आर ई हार्डवेयर. देन सॉफ्टवेयर. एस ओ एफ टी डब्ल्यू ए आर ई सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट. एम आई सी आर ओ एस ओ एफ टी माइक्रोसॉफ्ट. एक्सेल. ई एक्स सी ई एल एक्सेल. पेपर प्रिंट. पी ए पी ई आर पेपर. पी आर आई एन टी प्रिंट. एक्सेस. ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस. इंटरनेट. आई एन टी ई आर एन ई टी इंटरनेट. एक्सप्लोरर. ई X P L O R E R Explorer. Hardware, software, Microsoft, Excel, Paperprint, Access, Internet, Explorer. Now please move to page number 21. Write one sentence about each of the following. यहाँ हमारे पास वर्ड दिए हुए हैं, हमने उनके सेंटेंस लिखने हैं. पहला क्या है? माउस. यहाँ राइट करेंगे माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. देन सिस्टम यूनिट. इट इज द most important part of the computer. ठीक है. It is the most important part of the computer. Monitor. Monitor gives the output. Printer. Printer are used to print letters and applications ऑन अ पेपर. ऑन अ पेपर हम ऊपर लिख देंगे. ठीक है, ऑन अ पेपर. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, हमने यहाँ पे पांच सेंटेंस बनाए हैं. पहले माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है. सिस्टम यूनिट.
It is the most important part of the computer monitor. Monitor gives the output. Printer are used to print letters and applications on a paper. Hard disk is the main storage device of a computer. ई पार्ट करते हैं. टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आउट ऑफ दिस जार एंड राइट देम सेपरेटली इन द एप्रोप्रिएट कॉलम. यहाँ देखिए जार बना हुआ है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, हमने उनको अलग अलग करके यहाँ पे लिखना है. हार्डवेयर यहाँ, सॉफ्टवेयर यहाँ. पहले देखिए हार्डवेयर, यह हार्डवेयर क्या है? मॉनिटर. यहाँ पे मॉनिटर लिख दीजिए. देन माउस, प्रिंटर, RAM and ROM and microprocessor. हमने यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग करके लिखना है. microprocessor ये हो गए हमारे हार्डवेयर. देन अब सॉफ्टवेयर देखते हैं. इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक, ये तमाम क्या है? सॉफ्टवेयर है. सबसे पहले आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन आउटलुक 2010. ठीक है, यहाँ हमने चार में से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग करा है. मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, रैम एंड रोम, माइक्रोप्रोसेसर, ये तमाम हार्डवेयर है. सॉफ्टवेयर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड आउटलुक 2010. एक दफा तमाम बुक वर्क देख लीजिए. ठीक है, ए और बी और पेज नंबर 21 से डी और ई. ठीक है, ये बुक वर्क है. अब हम कॉपी का वर्क स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आंसर करेंगे. यूनिट नंबर 2 लिखेंगे सबसे पहले. इसका नाम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. टॉपिक क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर का मतलब बताना है हमने. हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स यू कैन फिजिकली टच. हार्डवेयर के तमाम पार्ट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. हार्डवेयर उनको कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीपीयू? द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज कैलकुलेशन, मेमोरी स्टोरेज एंड डिसीजन मेकिंग. क्वेश्चन नंबर 3 है. व्हाट इज अ मॉडेम यूज्ड फॉर? मॉडेम इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर कंप्यूटर with the other computers. ये हमने अपने चैप्टर में जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे, हमने मॉडेम के बारे में पढ़ा था. मॉडेम किसे कहते हैं? मॉडेम के जरिए हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर इज अ स्मॉल ब्लैक कलर्ड रेक्टेंगुलर चिप. इट इज द प्लेस वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस. माइक्रोप्रोसेसर एक छोटी सी ब्लैक कलर की चिप होती है जहाँ पे हमारा तमाम डाटा जमा होता है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फुलफिल नीड्स ऑफ परफॉर्मिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिफाइन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन. ठीक है, सॉफ्टवेयर को डिफाइन करा है. सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 7 है. राइट सम डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के आपने डिफरेंस बताने हैं. हार्डवेयर लिखेंगे फिर सॉफ्टवेयर लिखेंगे. पहले हार्डवेयर का पढ़ते हैं. वी कैन सी हार्डवेयर. हार्डवेयर को हम देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते. नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे. वी कैन टच हार्डवेयर. हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं.
We cannot touch software और software को हम touch नहीं कर सकते क्योंकि वो computer के अंदर होता है. Question number 8. Write names of some commonly used software. कुछ सॉफ्टवेयर के हमने यहाँ पे नाम लिखने हैं जो कि बहुत कॉमन है. नंबर 1 MS Word 2010, इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS Outlook 2010. ओके, क्या क्या नाम है? MS Word 2010, इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड नंबर 4 MS Outlook 2010. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर करने के बाद बुक वर्क का कॉलम बना लेंगे ताकि हमें बाद में याद रहे कि हमने बुक में भी वर्क करा है. एक्सरसाइज नंबर 2 ये आपको बुक पे मिलेगा. ए पे हमने क्या करे थे? ट्रू एंड फॉल्स, जो किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 19. देन फिल इन द मिसिंग लेटर्स, पेज नंबर 19 पर मौजूद है. डी हमने करा था राइट वन सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर 21 पर मौजूद है. ई हमने करा था टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आउट ऑफ दिस चार्ट एंड राइट देम सेपरेटली इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, पेज नंबर 21 पर मौजूद है. और रीडिंग के दौरान हमने एक एक्टिविटी भी करी थी जिसमें हमने करेक्ट ऑप्शन पर टिक करके उसका नंबर लिखना था. फाइंड द राइट नेम ऑफ गिवन कंप्यूटर डिवाइस, कहाँ पर है? पेज नंबर 13 पर. ठीक है, एक दफा बुक वर्क को और समझ लीजिए. ए पे ट्रू एंड फॉल्स है, पेज नंबर 19 पर है. फिर फिल इन द मिसिंग लेटर्स है, पेज नंबर 19 पर है. और सेंटेंसेस हमने लिखने हैं, एक वर्ड दिया हुआ था जैसे माउस, जो अभी हमने फिल करा है मॉनिटर, वो कहाँ पर है? पेज नंबर 21 पर है. ई हमने करा है टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एक जार था हमारे पास, इसमें से हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग करा है. ठीक है, और रीडिंग के दौरान हमने जो एक्टिविटी करी थी वो आपकी पेज नंबर 13 पर मौजूद है. ठीक है, जब पूरा बॉक्स बना लें उसके बाद यूनिट कम्प्लीटेड लिख देंगे. ये तमाम बुक वर्क है जो कि बुक में करा है, लेकिन आप लोग कॉपी में भी लिख लेंगे ऐसे कॉलम बना के ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो. उसके बाद यूनिट कम्प्लीटेड लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दोबारा से तमाम काम देख लीजिए. आज हमने क्या करा है? ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, देन सेंटेंसेस करे हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग करके लिखा है. ये तमाम बुक वर्क है. इसके बाद कॉपी में आ जाइए. कॉपी में आप लोग यूनिट नंबर 2 लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे, टॉपिक करके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. ये वाले टोटल 5 है और आगे के 3 अगले पेज पे हैं. ठीक है, बाकी के 3 क्वेश्चन ये रहे. टोटल हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं. जब पूरे 8 आप लोग सवाल कर लें उसके बाद बॉक्स बनाएंगे. बॉक्स हमारा ये रहा. ठीक है, ये तमाम बुक वर्क है, इसको हम एक बॉक्स में करके लिख देंगे ताकि हमें परेशानी ना हो. ओके, जब ये तमाम काम हो जाए तो यूनिट कम्प्लीटेड लिख देंगे. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.